सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई अनिल जी को आप लोग यहां से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद देंगे। ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ किस तरह का लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कोई भी बात उत्तराखंड के लिए कही है या उनसे कोई अनुरोध किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पहले त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है, हमको स्वीकृतियां प्रदान की हैं। उसका ही परिणाम है कि आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है, और जो 400 पार का नारा है उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अनिल भाई को यहां से भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।